नमस्कार एस पांडे यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में क्लास 10th का मैथ 2024 एक्सरसाइज का एसएससी का मैथ बुक का 14 का एक नंबर बता रहा हूं और ये गुणनखंड विधि के माध्यम से कह रहा है मूल निकालने का अर्थात एक्स का मान निकालना गुणनखंड के माध्यम से निकालने के लिए। तो आज मैं 14 का सारा प्रश्न बताने का प्रयास करूंगा अधिक से अधिक और पुनः जो नहीं बनेगा मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा आपके लिए। तो सबसे पहले मैं छात्र को ये बोलूंगा कि आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें और अधिक से अधिक मेरे वीडियो के बारे में दूसरे छात्रों को बताएं और यह चैनल 9, 10, 11, 12 की मैथ की वीडियो रेगुलर अपलोड करते रहती है, आप लोग निरंतर मेरे चैनल से जुड़े रहें। तो देखिए क्वेश्चन करंट 14 का एक नंबर में 2x² - 5x + 3 = 0। अब इसमें x का मान निकालना है, ये गुणनखंड है। तो गुणनखंड कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले लिखिएगा प्रारंभिक पद यानी x² का गुणन क्या है और अंतिम जो अचर पद है उन दोनों को गुणा कीजिए। 2 और 3 गुणा किए कितना हो गया 6। इसका मतलब ये जो बीच वाला पद होता है ये 2 और 3 को गुणा किए 6 हो गया। अब देखिए क्या हुआ, बीच वाला जो पद है अब क्या जोड़े या घटाए, क्या जोड़े या घटाए वो 5 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 5, लेकिन उन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए 6। तो साफ साफ यहाँ पर कर सकते हैं 2x² - 2x - 3x + 3 = 0। देखिए -3x और -2x तो क्या हो गया 3 × 5 और देखिए 3x और 2x कितना है 5x हुआ कि नहीं, और -3 और -2 को गुणा करेंगे तो ये दोनों क्या हो गया 6 हो गया कि नहीं, ये मेरा सही हो गया। अब देखिए इससे 2x को मना रहा है, यहाँ भी 2x² - 2x है तो 2x को मान लीजिए तो क्या हो गया x - 1 क्योंकि 2x गुणा x 2x² - 2x गुणा 1 = 2x। अब देखिए माइनस यहाँ से देखिए 3 कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन ले लीजिए 3, तो देखिए ये क्या बच गया x - 1 = 0 क्योंकि -3 गुणा x - 3x। अब देखिए माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा +3 गुणा 1 3। तो अब यहाँ देखिए x - 1 कॉमन ले लीजिए, दोनों में सेम चीज आ रहा तो x - 1 कॉमन ले लीजिए, तो x - 1 कॉमन ले लीजिए तो क्या बच गया 2x - 3 बच गया क्योंकि x - 1 निकाल लीजिए, यहाँ पर क्या बचेगा 2x क्या बचेगा = 0। तो अब देखिए एक बार हो गया x - 1 = 0 और एक बार हो जाएगा 2x - 3 = 0। जैसे समझिए तो x - 1 = 0 हो गया तो हम क्या लिखेंगे x = 1। देखिए एक बार x - 1 = 0 हो गया और एक बार क्या लिखेंगे 2x - 3 = 0 है तो ये देखिए उधर चला गया क्या जाएगा बराबर 3। तो अब देखिए x बराबर क्या हो गया 3 एक बार x - 1 = 0 तो x का मान 1 और 2x - 3 = 0 तो इसलिए 2x = 3 क्योंकि माइनस x पद की हो जाएगा तो बराबर प्लस हो जाएगा तो x बराबर क्या है 3। अतः x = 1 और x = 3 √2 यही इसके हल होंगे। अब मैं बताता हूं यहां पे देखिए 14 का 2 नंबर है और गुणनखंड विधि के द्वारा कह रहा है x का मान निकालो 3x² - 2 6x + 2 = क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि प्रारंभिक पद और अंतिम पद को गुणा कीजिए, 3 और 2 को गुणा करेंगे कितना होगा 3 × 2 बराबर क्या होगा 6। इसका मतलब क्या जोड़े या घटाए -2 6 आना चाहिए लेकिन जब गुणा करना पड़े तो क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। यहाँ देखिए 3x² ये -2 6 है, हम इसको ले सकते हैं -2 6x - 2 6x क्योंकि देखिए -1 √6x - 1 √6x -2 √6 है क्या। अब देखिए √6 × √6 कीजिए √6 × √6 तो ये 6 हो गया इसमें अर्थात 3 × 2 हो गया फिर इसके बराबर हो गया इसका मतलब ये मेरा प्रोसेस सही है प्लस क्या है √2 से। अब यहाँ से ध्यान दिया जाए अब इस दोनों में से क्या कॉमन ले जो कि काम आ रहा है, यहाँ से √3 कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे √3 और एक्स कॉमन लेंगे क्योंकि इससे हमको सेम चीज कॉमन लेना है तो यहाँ डिफरेंट है कि √3x होगा क्योंकि √3 × √3 3 होगा और x × x क्या बचेगा x². अब माइनस यहाँ जो बचेगा √2 बचेगा क्यों, क्योंकि √3x × √2 तो √3 अंदर में यहाँ √2 अंदर में तो 3 × 2 क्या होगा 6 तो √6x है कि यहाँ देखिए। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा यहाँ से जो कॉमन लेंगे √2 कॉमन लेंगे, क्या कॉमन ले लेते हैं √2 तो √2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे √3x होगा क्योंकि √2 × √3 √6x हो जाएगा। अब देखिए √2 को मान लेंगे अब यहां देखिए प्लस में है लेकिन क्या माइनस को मान लेंगे यहां पे माइनस होगा और यहां पे √2 होगा = 0 क्योंकि √2 × √2 क्या हो जाएगा 2 और -2 क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म समान हो गया तो इसलिए √3x - √2 कॉमन लेंगे √3x - √2 कॉमन लेंगे
यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए रूट थ्री एक्स माइनस यहाँ बचेगा इक्वल टू जीरो। तो अब देखिए एक बार रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू बराबर जीरो, एक बार रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू बराबर जीरो। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा रूट थ्री एक्स बराबर क्या होगा रूट टू, तो ध्यान दीजिएगा रूट थ्री एक्स बराबर रूट टू, तो इसलिए एक्स बराबर रूट टू बटे रूट थ्री, एक्स बराबर क्या होगा रूट टू बटे रूट थ्री। यहाँ भी देखिए सेम वही चीज है रूट थ्री एक्स, ये माइनस उस पक्ष की तरफ चला जाएगा रूट टू हो गया। अब देखिए एक्स बराबर रूट टू बटे रूट थ्री, अतः एक्स का दोनों मान बस समान हुआ। देखिए ये 14 का 4 पर बताने जा रहा हूँ, गुणनखंड विधि से कर रहा है इसके x के मान को। तो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस दस एक्स प्लस सेवन रूट थ्री इक्वल टू जीरो। तो ध्यान दीजिएगा पहले क्या करेंगे, प्रारंभिक पद और अंतिम पद को गुणा करेंगे। तो प्रारंभिक पद रूट थ्री है और अंतिम पद क्या है सेवन रूट थ्री। तो अब देखा जाए इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा रूट थ्री और रूट थ्री कितना हो गया थ्री, और सात गुना तीन तो सत्या इक्कीस। तो इस बात से साफ पता चल गया, ध्यान दीजिएगा रूट थ्री एक्स स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पर ऐसा चीज जोड़े या घटाए कि दस आ जाए प्लस दस आ जाए, लेकिन उस दोनों को यदि गुणा करेंगे कितना बचे इक्कीस। तो डिफरेंट है कि हम थ्री एक्स कर दिए यहाँ पे, तो प्लस सात एक्स होगा क्योंकि सत्या इक्कीस और सात और तीन कितना हो गया दस, और प्लस क्या है सात रूट थ्री स्क्वायर टू जीरो कर दिए। अब ध्यान दिया जाए इससे देखिए रूट थ्री एक्स को मान लीजिए, क्या को मान लीजिए रूट थ्री एक्स, तो रूट थ्री एक्स कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे बच गया एक्स प्लस रूट थ्री। क्यों बाबू, क्योंकि रूट थ्री एक्स में एक्स, तो रूट थ्री एक्स स्क्वायर हो गया, रूट थ्री गुना रूट थ्री तो थ्री हो गया और ये एक्स को है प्लस। अब देखिए इससे सात कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन ले लीजिए सात, तो यहाँ पे क्या बच गया एक्स प्लस रूट थ्री, क्योंकि सात गुना एक्स सात एक्स, सात गुना रूट थ्री सात रूट थ्री इक्वल टू जीरो। अब यहाँ देखिए एक्स प्लस रूट थ्री एक्स प्लस रूट थ्री, एक्स प्लस रूट थ्री कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच गया रूट थ्री एक्स प्लस सात बराबर जीरो। तो इसलिए ध्यान दीजिए एक बार कितना बराबर जीरो, एक्स प्लस रूट थ्री बराबर जीरो, और एक बार दोबारा रूट थ्री एक्स प्लस सात बराबर जीरो। तो एक्स बराबर ये प्लस है उस पक्ष की ओर चला जाएगा क्या होगा माइनस हो। अब देखिए रूट थ्री एक्स ये प्लस सात है उस पक्ष की ओर चला जाएगा क्या होगा माइनस सात, इसलिए एक्स बराबर माइनस सात बटे रूट थ्री। अतः एक एक्स का मान हो गया माइनस रूट थ्री और एक एक्स का मान साइन माइनस सात बटे रूट थ्री। देखिए 14 का 6 नंबर बता रहा हूँ, 5 नंबर और 3 नंबर में छोड़ा हूँ आपको बता देंगे ठीक। देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, 4x स्क्वायर माइनस 4a² x प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इक्वल टू जीरो है ना। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए 4x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस a टू दी पावर 4 माइनस b इक्वल टू जीरो। अब इसकी देखिएगा हम इसको कर सकते हैं 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि दो दो ही चार x में x x स्क्वायर। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं 2 into, ध्यान दीजिएगा 2 into 2x into a स्क्वायर, क्योंकि दो दो ही चार हो जाएगा आपके a गुना a स्क्वायर x हो जाएगा। अब देखिए a टू दी पावर 2 है हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर, फिर देखिए माइनस क्या है b 4 हम इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर का स्क्वायर बराबर क्या हो गया। ध्यान दिया जाए देखिए 2 दुनी 4 x स्क्वायर, 2 दुनी 4 गुना x 4 स्क्वायर x, फिर देखिए a स्क्वायर का स्क्वायर 2 दुनी 4, फिर देखिए 2 दुनी 4 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए a स्क्वायर माइनस 2a a के रूप में देखिए 2x इनटू b, b का मान क्या है a स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ से यहाँ देखिएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसका मतलब ये 2x माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ये हो गया 2x a स्क्वायर x 2ab प्लस b स्क्वायर, अब माइनस क्या है b स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए एक सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, a प्लस b इनटू a माइनस b होता है कि हर के a के रूप में ये पूरा नंबर होता है, देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी देखिए a के रूप में ये हो गया और b के रूप में ये हो गया। अब देखिए इसको a प्लस b के माइनस b लिख सकते हैं, a आपका पूरा क्या होगा 2x माइनस a स्क्वायर, अब फिर क्या होता है प्लस b, तो b का मान क्या है कि माइनस b का मान है b स्क्वायर, तो प्लस b स्क्वायर ठीक। अब फिर क्या होता है देखिए a माइनस b, तो a का मान क्या है देखिए 2x माइनस a स्क्वायर, अब फिर b का मान क्या है माइनस b स्क्वायर इक्वल टू जीरो, क्योंकि a प्लस b इनटू a माइनस b है, तो a का मान है ये टोटल टर्म और b का मान है b स्क्वायर,
तो a plus b into a minus b भी। अब देखिए हम लिख सकते हैं एक बार कितना बराबर जीरो, यानी 2x minus a square plus b square बराबर जीरो, और एक बार कितना बराबर जीरो लिख सकते हैं 2x minus a square minus b square बराबर जीरो। तो अब यहाँ पे लिखिए 2x बराबर, ये माइनस है उस पक्ष पर चला जाए क्या है प्लस ए स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर है उस पक्ष पर चला जाए क्या है माइनस बी स्क्वायर। इसलिए इसलिए x बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय टू, ये दो जो है ये भाग लग जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी देखिए 2x ये माइनस है उस पक्ष पर चला जाए क्या है ए स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर उस पक्ष पर चला जाए क्या है प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखिए इसलिए x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये टू नीचे लिखा है। अतः x का मान जो हुआ a square minus b square by 2 और a square plus b square by 2। आज के वीडियो में इतना ही।